बात करूं योजनाओं की, तो सबसे पहले तो मैं इस बात को आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि कोरोना का पैंडेमिक आया, शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी थी, सब लोगों ने चर्चाएं की। एक शताब्दी पहले जब त्रासदी आई थी तो बीमारी से ज्यादा लोग भुखमरी से मर गए थे, बीमारी से ज्यादा भुखमरी से मर गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और दाल देकर अपनी गरीब जनता, अपने साथी लोग सबको उन्होंने मजबूत करने का प्रयास किया। और इस माध्यम से, इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश को बीमारी से भी लड़ने का ताकत दी और साथ ही साथ हमारे यहां कोई भूखा न सोए इसकी चिंता की, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आज दिन तक वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की स्कीम चल रही है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की, आज दिन तक किसी ने नहीं सोचा कि किसानों को भी दैनंदिन जीवन में अपने उपज को बढ़ाने के लिए उनको कुछ आर्थिक मदद चाहिए, कभी नहीं सोचा और कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ नहीं, 4 करोड़ नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में हर तीसरे महीने में 2000 रुपए पहुंचाने का प्रयास किया और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले। और मैं आपको इसकी विशेष बात बताना चाहता हूं, एक समय में एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे ही जाते हैं, बाकी सब पता नहीं कौन सा वो हाथ है जो सारे का सारा पता नहीं कहां ले जाता है, कहां किस हाथ में फंस जाता है मालूम। लेकिन 31 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिमला के रिज मैदान से 31 मार्च नोट कीजिए, एक बटन दबाया, चार जी मैं ठीक बोल रहा हूं, एक बटन दबाया और 15 सेकंड के अंदर 11 करोड़ किसानों के खाते में 37,000 करोड़ रुपए चले गए। ये हमको समझना है और आज 1,36,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में चला गया। ये है आज बदलती तस्वीर, 6 गुना किसान का बजट बढ़ गया, 6 गुना किसान का बजट को बढ़ोतरी हुई है। कभी किसी ने किसान और कभी किसी ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बारे में सोचा था? अगर मैं प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के बारे में बात करूं तो 83 लाख फार्मर्स को इससे लाभ मिला है और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए इसमें किसानों के खाते में गए हैं। अगर मैं बात करूं ई नाम की, और जिसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, तो इसमें भी लगभग 1000 ई मंडी में 2.5 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है और यहां गुजरात में भी 122 ई मंडी है जिसमें 9400 ट्रेडर्स जो गुजरात के हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये भी हमको यानी हमने इसको इलेक्ट्रॉनिक कर दिया और नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट के माध्यम से किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। यह सुविधा किसानों को दी, ताकत दी, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। ये भी हमको, अगर हम बताएं किसान रेल स्कीम, इसके तहत कॉरिडोर बनाया गया ताकि पेरिशेबल गुड्स को बिना समय गवाए हुए मार्केट तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी काम किया गया और 50% फेट में सब्सिडी दी गई, वो भी हमको याद रखना है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना 90,000 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए। उसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर बजट की बात करें तो मैंने कहा कि उस समय 2014 तक 1,46,000 करोड़ रुपए था, आज मोदी जी के टाइम पर 6 लाख करोड़ रुपए है, 6.1 लाख करोड़ रुपए हो गया, ये भी हमको याद रखना है। अब मैं गुजरात सरकार की भी बिना प्रशंसा किए, तारीफ किए मैं नहीं रह सकता। गुजरात सरकार ने भी जो हमारे इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं, गुजरात में 15 लाख किसानों को ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, ये भी याद रखना। उसी तरीके से 5,000 करोड़ रुपए की लागत का इसमें ये डिस्पर्स किया गया है। और अगर हम किसानों की बात करें तो 32,000 फार्मर्स हैं
जिनको हमने ट्रैक्टर खरीदने में मदद दी है। और उसी तरीके से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप करने की बात आई है तो 1.5 लाख किसानों को इसमें आर्थिक रूप से सहायता दी गई है और 400 करोड़ रुपए गुजरात के किसानों पर खर्च हुआ है, ये भी याद रखिए। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ये जो यूरिया है, ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है, अब लिक्विड नैनो यूरिया बन रहा है। मुझे बताया गया है कि गांधीनगर में कलोल में इसकी फैक्ट्री लगी हुई है और वहां पर वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिक्विड नैनो यूरिया तैयार होगा। यानी जो आप बोरी में यूरिया ले जाते थे अब बोतल में ले जाएंगे और वह भी किसानों के लिए भरपूर होगा और पूरा काम करेगा, इस बात को आपको समझना होगा। उसी तरीके से 1.5 लाख चेक डैम्स यहां बनाए गए हैं, यानी छोटे छोटे डैम बना करके आपने वाटर का रिचार्ज भी बढ़ाया है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का काम किया है। मित्रों, मैं यहां पर कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग हैं जो किसान के नाम पर राजनीति करते रहे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के दुख को समझकर उसके दर्द को हटाने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया मोदी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, अभी सीआर पाटिल जी आएंगे तो वो बताएंगे, संगानी जी आएंगे वो बताएंगे, राजकुमार चाहर जी आएंगे वो बताएंगे, हमारे हितेश पटेल आएंगे तो वो बताएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है जो छाती ठोक करके जनता के सामने जा सकता है और बोल सकता है कि हमने आपके लिए काम किया। बाकी कोई नेता और कोई पार्टी ऐसी नहीं है, सिवाय लांछन लगाने के, आरोपित करने के, समाज को नीचे खींचने से, इसके सिवाय कोई भी और कोई काम नहीं कर रहा। मैं इस समय किसी पर टिप्पणी करूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हम शुभ कार्य में निकले हैं, आप अच्छे तरीके से निकलो। ये ई स्कूटी लेकर के गांव गांव जाइए, किसान आपका साथी है, किसान जानता है, गुजरात की जनता जानती है कि कौन किसने गुजरात को आगे बढ़ाया है, गुजरात की जनता जानती है कि किसने गुजरात की तस्वीर बदली है, गुजरात की जनता जानती है कि देश में गुजरात को नंबर 1 पर